आइए सुन लेते हैं क्या कहना है राघव चड्ढा का और हरियाणा के नेताओं का, साथ में डॉक्टर सतबीर खाद्यान का। आंकड़े की कितना पानी रोज हरियाणा ने देना है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1995 में तय किया था। अगर आज हरियाणा वो पानी रोक लेता है और दिल्ली वालों को उसके हक का पानी नहीं देता है, तो मैं खट्टर साहब को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी दिल्ली वालों से क्या निजी दुश्मनी है? आप क्यों हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं? हमने ना आपको कभी बुरा भला कहा, ना आपका कभी भला बुरा चाहा। हाथ जोड़कर विनती है कि मानवीय आधार पे, कानूनी आधार पे दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दीजिए। खट्टर साहब, पिछले महीने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रहा। वो सुप्रीम कोर्ट ने यमुना जल बोर्ड के, अपर यमुना बोर्ड के अधिकारियों से जांच कराई और उनकी रिपोर्ट को देखते हुए कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बावजूद वो हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पानी के लिए जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है, 1099 क्यूसिक पानी इनका तय है और म्यूनिक नहर से वो पानी इनको दिया जा रहा है, पर अपनी आंतरिक गड़बड़ियों को छुपाने के लिए खुद दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था ना कर पाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक तो हम अपने हिस्से का पानी हरियाणा उनको दे रहे हैं, दूसरा ये कहें कि जी हरियाणा पानी नहीं दे रहा, ये बहुत दुखद है। इसमें जब ये केस जो मैं कह रहा हूँ साल के शुरुआत में डाला था, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब इस केस को डिस्पोज ऑफ किया, ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी चाहिए तो वो अपर यमुना रिवर बोर्ड जा सकता है और हरियाणा को लिखित में अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी वो हरियाणा देख लेगा कि उसको कैसे क्या है। मुझे नहीं लगता कि इस किसी भी उसका उन्होंने पालन किया है। जी, पानी का विवाद है। वीरेंद्र चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। महिमा सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी है। अमनदीप केसरी साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और आदिल अहमद खान हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आदिल अहमद साहब, आप ही के पास चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपकी अर्जी खारिज हो चुकी है। हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि आपके हिस्से का पानी पूरा दिया जा रहा है, उसके बावजूद आप हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन पानी की कमी तो दिल्ली में है और उसकी वजह यह भी हो सकता है कि आप जो पानी की बर्बादी को रोक नहीं पा रहे। हरियाणा सरकार कह रही है कि ये पूरी तरह आपका आंतरिक मामला है और इसको अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप हरियाणा सरकार पे डाल रहे हैं। देखिए डबास साहब, दिल्ली के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों से पानी की दिक्कत आ रही है और यह दिक्कत क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर खपत है और ये पानी, दिल्ली का जो अधिकांश पानी है वो हरियाणा से ही आता है। आज दिल्ली के अंदर हरियाणा 100 एमजीडी पानी दिल्ली का रोक कर बैठी है, वो तकरीबन 10% पानी जो दिल्ली का है हरियाणा सरकार ने रोक रखा है। दिल्ली के अंदर अनुमान मान लेते हैं कि 2 करोड़ आबादी है, तो आपने दिल्ली के 20 लाख लोगों का पानी रोक रखा है जो एक मानवीय अपराध है। आप किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक सकते। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का पानी भी रोक रही है और दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति भी कर रही है। ये कैसी शर्मनाक हरकत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से जानना चाहता हूँ। दूसरी चीज, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पानी को लेकर
दिल्ली के लोगों को तरसा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग आने वाले दिनों में इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी। ये तो राजनीतिक बात है। चौहान साहब सीधा एक सीधा सा सवाल आपसे, हाथ जोड़ के गुजारिश की गई है राघव चड्ढा की ओर से, कहा है कि आप ये अपराध ना करें, ये पानी ना देना दिल्ली के लोगों के साथ एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार जो है वो अपराध कर रही है। देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन दिनों प्रदीप भाई झूठे सियासतदानों की सरकार है, ये सारा देश दुनिया जानती है। अरविंद केजरीवाल ने झूठों के शिरोमणि के रूप में, गपोड़बाजी के बेताज बादशाह के रूप में जो अपनी छवि निर्माण की है पिछले कुछ वर्षों के दौरान, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, ये सब मिलकर उस छवि को कायम रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने सत्य है प्रदीप भाई, और हमारी सरकार की तरफ से भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दिल्ली को जितना पानी देना बनता है, वो आप आंकड़ों की भाषा में भी बात कर चुके हैं, दिल्ली का जितना अधिकार बनता है उससे कहीं अधिक पानी दिल्ली को देने में हमने कभी कोताही नहीं बरती। जो दिल्ली का बनता है वो उसको दिया जा रहा है, और उसके बावजूद सच्चाई को, तथ्यों को जानते हुए भी दिल्ली के ड्रामेबाज सियासतदान वो टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी मार रहा है। इस बात को और थोड़ा सा इसमें ये और वजनदार बात इसलिए भी है कि इन्होंने हरियाणा पर आरोपबाजी करने की प्रक्रिया के साथ साथ अदालत का दरवाजा खटखटा कर भी देखा, और वो तथ्य भी सबके सामने है कि सर्वोच्च अदालत ने भी कहीं हरियाणा द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में कोताही बरतने की कोई बात पाई। लेकिन देखिए, आदिल अहमद जी की ओर से जो बात कही गई है कि 10% पानी काटा जा रहा है इन दिनों में, जो एक अपराध है, कम से कम 2,00,000 लोगों के प्रति तो अपराध है, तो पानी में अगर कटौती होती है तो दिल्ली सरकार तो बोलेगी सर। प्रदीप भाई देखिए, जितना जिसका है उतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो हम दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है, पानी की आपूर्ति घटती है, पानी किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं, कोई प्लांट उसके लगाए नहीं जा सकते, पानी हमको प्राकृतिक रूप से पीछे से पहाड़ से आता है या ऊपर से आसमान से आता है, उसमें दिल्ली को कितना जाना है ये कानून सम्मत तरीके से निर्धारित है, समझौतों के तहत दस्तावेजों में रिकॉर्ड पर वो चीजें हैं। उतना पानी न दे तो हम अपराधी। रही बात कभी कभार दिल्ली को उस आंकड़े से अधिक पानी भी मिलता है, वो कब मिलता है, जब हमारे पास सरप्लस हो। हमारी स्थिति एक, एक सवाल ये भी है कि इन दिनों पानी पानी की किल्लत तो लगातार चली रही है। इन दिनों दिल्ली भले ही आरोप लगाती रहे कि पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हरियाणा के लोग भी पानी ना मिलने का आरोप लगातार लगा रहे हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं। सर, अगर दिल्ली को आप पूरा पानी देने और इमेज बनाए रखने के या ज्यादा पानी देने के, उसमें हरियाणा के लोगों का पानी तो नहीं कट हो रहा है कहीं पे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हरियाणा के लोगों को पानी सप्लाई करने के चक्कर में दिल्ली का पानी काट रहे हैं और हरियाणा के लोगों को भी नहीं मिल रहा है? प्रदीप भाई एक बात समझिए जी, दिल्ली भी भारत का हिस्सा है और हरियाणा भी भारत का हिस्सा है। निसंदेह दिल्ली को भी पानी मिलते रहना चाहिए, दिल्ली के किसी नागरिक को पानी न मिले और वो हमारे कारण से न मिले ऐसा कभी ना हम होने देंगे, ना हम इसके पक्षधर हैं। हम दिल्ली और हरियाणा में इस मायने में भेद नहीं करते कि हम सब भारतवासी हैं और सबको जल मिलना चाहिए, लेकिन जो उपलब्ध पानी है उसी में से तो दिया जाएगा। पानी को बढ़ा महिमा जी को शामिल कर लेते हैं। महिमा जी, कहीं यह जल विवाद इमेज बनाने और इमेज खराब करने का विवाद तो नहीं है, सिर्फ वही तक सीमित रहा हो? पानी पूरा भी आ रहा हो, दिल्ली उसको उसको प्रबंधन ना कर पा रही हो, ऐसा भी हो सकता है, और इमेज खराब करने और बनाने का ही खेल ना हो ये? प्रदीप जी, आपकी बात से मुझे हफीज कर्नाटकी जी की दो पंक्तियां याद आ गई हैं। कई जलवे तेरे पहचान के धोखे से निकले हैं, सियासत सैकड़ों चेहरे तेरे चेहरे से निकले हैं। तो ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने अन्ना हजारे के साथ मिलकर के आंदोलन किया था, और आज जो बात हमने सुनी है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, बात यहाँ सियासत की है, बात यहाँ
अपने अपना पल्ला झाड़ने की है, अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की है। हरियाणा के वाटर टेबल को लेकर के तो बहस अभी हम कर ही रहे थे एक दो हफ्ते पहले। हिसार भिवानी की तरफ लोग मटके लेकर के धरने पर बैठ ही गए थे, वो एक अलग मामला है। लेकिन जहां तक बात दिल्ली और हरियाणा के आज के मसले की है, जिसको लेकर के राघव चड्ढा जी का बयान अभी हम सुन रहे थे, उसमें जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है, देखिए फैसला आ गया है उस पर आपने रिव्यू या रिविजन कुछ डाला होता तो हम बात समझते। यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बात हरियाणा और दिल्ली के बीच की है, बात सियासत की है, तो ये आम आदमी पार्टी जान ले कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो उनको उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय को या तो रिविजन रिव्यू पिटिशन डालना चाहिए, और नहीं तो फिर अगर मान लिया है उस फैसले को तो फिर अपने लोगों को गुमराह करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो एसवाईएल को लेकर भी आ चुका है। पानी का विवाद तो पंजाब के साथ है, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में मैडम, बिल्कुल बिल्कुल फैसला आ चुका है। और उसमें प्रदीप जी मैं याद दिला दूं कि केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, केंद्र को बात आगे लेकर चलनी है। बहरहाल आज आप बहस हरियाणा और दिल्ली के मसले पर कर रहे हैं, जिस दिन आप एसवाईएल पर करेंगे उस दिन उस पर बात कर लेंगे, लेकिन आज की बात में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा बिल्कुल पानी की है। लेकिन मुझे याद है पिछली बार महंगाई की बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि सिर्फ किसानों का मुद्दा आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज मैं ये याद दिला दूं कि हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं हरियाणा और दिल्ली की, तो उसी को लेकर के बात यदि करें, क्योंकि देखिए बिल्कुल दो अलग अलग मसले हैं। उसमें केंद्र के ऊपर दारोमदार डाला हुआ है, केंद्र को कदम उठाना है। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आ गया है और उसके बाद भी अगर छींटाकशी चल रही है तो फिर ये दोनों पार्टियों को चाहिए कि वो आपस में बात करके जिस तरह से डिप्लोमेसी होती है उस तरह से उसे निपटा ले। ये तो जनता की चिंता नहीं है। अमनदीप जी, आम आदमी पार्टी कह रही है उनको पूरा पानी नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पानी की कोई कमी नहीं होने दी गई है अब तक दिल्ली को, बल्कि हिस्से से ज़्यादा पानी मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ छवि के लिए लड़ाई है और कुछ नहीं है। देखिए प्रदीप जी, इस बात का फैसला तो जो दिल्ली उच्च न्यायालय में अगर दिल्ली सरकार ने जो याचिका डाली है और उसके तथ्यों के सामने आने के बाद ही होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार तो पल्ला झाड़ रही है कि हमने कोई ऐसा गलत नहीं किया। और लेकिन ये वो देखना पड़ेगा कि सच में हरियाणा ने क्या दिल्ली के जो क्षमता का पानी, दिल्ली को जो पानी दिया गया उससे रोका गया है या नहीं रोका गया है। लेकिन एक बात तो साफ है प्रदीप जी, इन दिनों अगर हम सरकार के कुप्रबंधन की बात करें, हरियाणा सरकार के कुप्रबंधन की बात करें, वो किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी बहुत बार ऐसे निर्णय ले चुके हैं, बहुत बार ऐसी चीजें हमारे सामने आ चुकी है हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने कि ये बहुत अच्छा कोई प्रबंधन नहीं कर सकते। और पानी के मामले में तो चाहे अगर आप एसवाईएल की बात कर रहे थे या और नहरों की बात कर रहे थे, बार बार मुख्यमंत्री जी का दावा रहता है कि रेणुका डैम से पानी आ जाएगा, एक हिमाचल में और कुशाऊ डैम है वहां से पानी आ जाएगा। आदिल अहमद साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली सरकार की 2017 की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो कहती है उसमें साफ साफ बताया गया कि मिसमैनेजमेंट कुप्रबंधन की वजह से दिल्ली सरकार जो है वो 20% पानी वेस्ट होने से बचा नहीं पाती और कई बार तो ये 30% से ऊपर। आप 10% की बात कर रहे थे, आप परसेंटेज में ये कह रहे थे कि इतने लाख लोगों को हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है और ये मानवीय अपराध है। मानवीय अपराध तो ये भी है सर कि अगर आप पानी वेस्ट होने से नहीं बचा पा रहे हैं अपनी दिल्ली में तो फिर आप आरोप दूसरों पर कैसे लगा सकते हैं। देखिए प्रदीप भाई, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अपने बड़े भाई चौहान साहब से कहना चाहूंगा कि जो शब्द वो एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में अभी प्रयोग कर रहे थे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं और पूरा देश जानता है कि इस देश में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा बतौलेबाज कौन है, इसको आपके चैनल पर मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, 1965 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा के पानी को तय कर दिया था कि हरियाणा को कितना पानी दिल्ली को देना है। आज जब 900 एमजीटी पानी की जरूरत दिल्ली को है तो आपने 100 एमजीटी पानी यानी 100 मिलियन गैलन पानी आपने दिल्ली का रोक रखा है। कोर्ट में मामला हमने डाला हुआ है और इसका फैसला जल्दी आ जाएगा, लेकिन दिल्ली को पानी की जरूरत अभी है।
ईमान की स्थिति अभी बनी हुई है। कोर्ट में तो हो चुका सर, मई के महीने में ही हो चुका, और कोर्ट ने तो खारिज कर दिया आपकी याचिका। मैं आपको बता दूं, दुरुस्त कर दूं, आप 65 की बात कर रहे हैं, मैं 96 की बात कर दूं, 29 फरवरी, हमने फिर कोर्ट गए हैं, 29 फरवरी 1996 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मैं आपको बता दूं, 300 क्यूसिक और पानी कहा गया था, 700 क्यूसिक पहले मिलता था, अब 1049 क्यूसिक पानी दिल्ली को मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार का कहना है यह दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि नहीं दिया जा रहा, हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है, हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है। वीरेंद्र जी, जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी से, और जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी से। सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप, दिल्ली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रही है, तो जवाब है मेरे पास। जवाब जवाब दीजिए वीरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली हरियाणा की सरकार के मंत्रियों ने आधिकारिक रूप से ये बात कही है, और उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट्स पर आधारित है कि हरियाणा दिल्ली को जितना पानी आज की तारीख में कानूनी तौर पर मिलना चाहिए उससे कहीं अधिक पानी दे रहा है, लगातार दे रहा है, और हमने उस न्यूनतम से नीचे कभी इसको जाने नहीं दिया। कभी कभार अपने पेट पर पेटी बांधनी पड़ी हो तो थोड़ी बहुत अपनी पेटी कसनी होगी। इसलिए हम पर इस तरह के आरोप लगाना कि हम हक मार रहे हैं, हम किसी का पानी रोककर अमानवीय कार्य कर रहे हैं, ऐसा करने वाले वही लोग हैं प्रदीप भाई, जो पहले कहते थे अन्ना के आंदोलन के समय में कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, अगले दिन राजनीति में कूद गए। फिर उन्होंने टेलीविजन पर आकर कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। उस बयान की 13वीं होने से पहले वो कांग्रेस के सियासी जमाई भी बने, सबने देखा। तो ऐसे लोग जिन्होंने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके ऑक्सीजन की हेरा फेरी करने की कोशिश की हो, जब त्राही त्राही सब लोग कर रहे थे सब तरफ, उनके बयान को सच्चा मानेंगे या हमारे आधिकारिक रिकॉर्ड पर उपस्थित बयान को और हमारे द्वारा दिए जा रहे पानी के आंकड़े को आप सच्चा मानेंगे? ये लोगों को तय करना है। दिल्ली में कोरी सियासत हो रही है, और मुझे तो ये भी लगता है जैसे इन्होंने कोरोना के संकट में झूठे आंकड़े पेश करके ऑक्सीजन की हेरा फेरी करके गोरख धंधा किया, ये पानी का भी कोई ना कोई धंधा चला रहे हैं। इनका टैंकर माफियाओं के साथ कोई गठबंधन है दिल्ली में, ये भय दिखाकर, ये माहौल खराब करके, दिल्ली में त्राही त्राही की बात करके, वो जो टैंकर माफिया वहां काम करते हैं इनके साथ गठबंधन में, उनका फायदा करना चाहते हैं। हम अपने कर्तव्य से ना पहले पीछे हटे हैं, ना आज पीछे हट रहे हैं, ना भविष्य में पीछे हटेंगे, ना भविष्य में पीछे हटेंगे। आप केवल गप मार रहे हैं आदिल साहब, आप लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। आपने ऑक्सीजन को लेकर भी इसी तरह झूठ बोला, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। बच्चों की हरियाणा के हुए हैं और ये सत्यवादी बनते हैं, सुन लीजिए, टेलीविजन पर सुन लीजिए, बोल चुके हैं कैमरे के सामने, आप सुन लीजिए, बच्चों की कसम सुन लीजिए, कांग्रेस के साथ दर्द बताऊंगा कि आप दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, दिल्ली का पानी रोक रहे हैं, आपकी बौखलाहट बता रहे हैं, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आपकी बौखलाहट बता रहे हैं, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। प्रदीप भाई इनसे बोलिए, आदिल साहब, चौहान साहब एक बार जवाब ले लेते हैं, आपके तमाम ऑक्सीजन वाले आरोप का जवाब लेते हैं एक बार। प्रदीप भाई ये पानी सुन तो लीजिए वीरेंद्र जी, सुन तो लीजिए, चैनल पर बैठकर भी झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अरे प्रदीप भाई आंकड़े दे रहे हैं, हम पानी बोलिए बोलिए आदिल जी बोलिए, वीरेंद्र जी सुनिए सुनिए, वीरेंद्र जी सुनिए सुनिए, वीरेंद्र जी दिल्ली के लोगों को पानी दो भाई साहब, सुन लो मेरी बात, आपकी बात भी ड्रामेबाजी कंटेंशिप तो जवाब तो लेने दो वीरेंद्र जी, जवाब तो लेने दीजिए, कौन जानता है कौन ड्रामेबाज है, जानता है कितने दिल्ली के लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ किया है, पूरा विश्व जानता है। दिल्ली के
वीरेंद्र जी जवाब तो लेना पड़ेगा, वीरेंद्र जी जवाब तो लेना पड़ेगा, एक एक मिनट का जवाब, 30 सेकंड का जवाब इनसे लेते हैं, उसके बाद महिमा जी के पास चलते हैं। आपको विश्वास सुननी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली के अंदर देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को हटा देने से आपका पाप धुलने नहीं जा रहा। आपने कोरोना काल में राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया। जवाब तो पानी में दीजिए आदित्य साहब। आपने दिल्ली के लोगों की सिस्टियों का हिसाब नहीं है। आपको आपने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। आप पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बैठे थे और जब देश के अंदर वैक्सीन महिमा जी तमाम बातें हो रही है पानी को छोड़ के। जिन्होंने आरोप लगाया था वो भी पानी की बात नहीं कर रहे, जिनको जवाब देना है वो भी पानी की बात नहीं कर रहे। बिगड़े हुए तेवर हैं नौ रियासत के, बिखरी हुई सांसें हैं नौमत निजामों की। ताहिर उद्यानवी जी ने ठीक कहा है प्रदीप जी, और ये आप हमारे बच्चों के हिस्से का पानी रोक रहे हैं और दूसरी हमारी बात भी नहीं सुनने देना चाह रहे हैं। और भाजपा के हवाले से जो बोल रहे हैं, भाजपा के हवाले से जो बोल रहे हैं, ये वो सरकार है जिसने वाटर कैनन चला चला करके किसानों को भी बख्शा नहीं है और वाटर टेबल गिरा दिया है हरियाणा का, आज तक के हिस्टोरिकल लो पे है। और आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम तो बार बार एक ही बात करते हैं, हमारी जो विचारधारा है वो यही है कि जहां देखिए हर वक्त के साथ आपको अपने मिजाज बदलने पड़ते हैं। अगर आज पानी की किल्लत है तो इसको डिप्लोमेसी से दोनों प्रदेशों को साथ बैठ करके सुलझाना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेसी तो एक स्किल है प्रदीप जी, जो आती है आते आते। तो ये अभी जैसा मैंने कहा कि बिगड़े हुए तेवर है नौ उम्र सियासत की, अभी नई नई उम्र है इस सियासत की, तो वो देखने को भी मिल रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है अपनी बात के बाद दूसरों की बात सुनने का, तो निश्चित तौर पर आप चर्चा के साथ न्याय नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार को, दिल्ली सरकार को जवाब देने के साथ साथ भिवानी और हिसार दक्षिण हरियाणा की तरफ के अपने लोगों की ओर भी देख लेना चाहिए, उन पर भी नजरें करम कर लेनी चाहिए। और दिल्ली को चाहिए कि वो सर्वोच्च न्यायालय की अगर आदल साहब कह रहे हैं कि कोई याचिका डाल दी गई है रिव्यू में या रिविजन में, तो हो सकता है डाल दी गई होगी, लेकिन यदि नहीं डाली है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास फिर से जाइए यदि आपके पास पुख्ता सबूत है तो। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा सरकार कह रही है या ऊपरी यमुना बोर्ड ने कहा है, जो रिपोर्ट बता रही है वो कुछ और है, तो फिर ये सियासत का मसला बन गया है। गंभीर सवाल तो महिमा जी ने, भी उठाया है कि दिल्ली को पानी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि जितना उसकी उसकी क्षमता है पानी दिया जा रहा है, कोई कटौती नहीं की जा रही है, लेकिन हरियाणा के लोगों की तरफ भी देखा जाए, क्या ऐसा है कि हरियाणा के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, चौहान साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के लिए क्वेश्चन किया है जो बोलिए मनदीप जी। और हरियाणा के लोगों को तो आज नहीं, बरसों से SYL के उनके हक का पानी नहीं मिला। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां केवल उसको चुनावी वायदा बना करके, केवल वोट लेकर के एक मसला बनाकर रखती हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में ये क्षमताएं रही हैं समय समय अनुसार कि उस मुद्दे को हल कर दें, लेकिन ये अपनी इच्छा शक्ति उस मुद्दे पे नहीं, इच्छा शक्ति इनकी थी नहीं, इसलिए हल नहीं किया। अब आज का जो मुद्दा है इसके अंदर आप देखिए कि प्रतिस्पर्धा है दो पार्टियों में और उनके नेताओं में। हालांकि वो पहले भी अभिनय के अंदर, एक्टिंग के अंदर, झूठ बोलने के अंदर दोनों की प्रतिस्पर्धा रही है। उनकी एक ही उनके अंदर गुण है कि किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया जाए। एक नेता कहता है कि मैं ज्यादा बोल करके ज्यादा वोट ले लूंगा, दूसरा उससे और अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाता है। तो आज का मुकाबला भी हम दोनों पार्टियों को यही मान सकते हैं, दोनों एक दूसरे से को पिछाड़ने में जुटे हुए हैं और बहुत अच्छे अभिनय करते हैं। मेरी सलाह के माध्यम से ये है कि दोनों पार्टियों के नेताओं को अगर एक फिल्म बनानी, फिल्म में रोल दिया जाए तो ऑस्कर जरूर जीतेंगे, ऑस्कर जीत लेंगे आप, लेकिन असल बात तो ये है कि भाखड़ा में भी पानी 25% कम है अमनदीप जी। भाखड़ा में भी इस वक्त मानसून ना होने की वजह से
25% कम पानी है, रंजीत सागर झील में भी 35% के आसपास पानी की कमी इस समय है। ऐसे में दोनों ही स्टेट्स हरियाणा और दिल्ली पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यह आरोप का दौर मुझे नहीं लगता कि है, फिर भी एक बड़ा सवाल तो वीरेंद्र चौहान साहब खड़ा हुआ है कि दिल्ली को तो पानी आप दे रहे हैं, आपका दावा है, लेकिन हरियाणा में भी लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, खासकर पीने के पानी की कमी से। रोज विजुअल्स आते हैं, हम खबरें देखते हैं, दूर दूर से महिलाएं पानी लेके आती हैं, उनका भी सोचिए। प्रदीप भाई, एक सत्य को सबको स्वीकार करना पड़ेगा राजनीति से ऊपर उठकर, और वो सत्य ये है, आप झूठ बोल रहे हैं पानी। प्रदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। आ रहा हूँ आदिल साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही से लूंगा जवाब। वीरेंद्र जी बोलिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर, जो राष्ट्रीय चैनल है, उस पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आदिल साहब, एक बार जवाब लेके आप ही के पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ जवाब लेके, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं आपको भी कुछ आंकड़े बताऊंगा, आपको भी पता चलेगा आपको कितना पानी मिल रहा है। वीरेंद्र जी बोलिए। प्रदीप भाई, राजनीति को एक तरफ रख के हम सबको ये सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि पानी असीमित नहीं है। भाई साहब, ये इनको आदिल साहब, मैं आ रहा हूँ, ऑडियो डाउन कीजिए, आदिल जी का ऑडियो डाउन कीजिए दो मिनट के लिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको ये सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, सहजता से स्वीकार करें या असहज होकर स्वीकार करें, कि दुनिया में ही नहीं, दुनिया में ही मतलब समूची दुनिया में और अपने यहाँ भी पानी असीमित साधन नहीं है, सीमित पानी है। कभी कभी मौसम ऐसा होता है तो वो ज्यादा भी होता है, सरप्लस भी होता है, लेकिन इतना पानी सचमुच अपने पास भी नहीं है कि सबको सरप्लस पानी मिल जाए। पानी गर्मी के मौसम में सीमित होता है। सरप्लस तो मांग ही नहीं रहे, वो तो अपने जरूरतों के हिसाब से मांग रहे हैं सर। रुकिए, मैं भी वही आ रहा हूँ ना, मैं वही आ रहा हूँ। जब पानी सरप्लस होता है तो सबको आवश्यकता के अनुरूप भी मिलता है और उससे ज्यादा भी मिलता है, दिल्ली को भी मिल जाता है, परंतु गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत, पानी की कमी स्वाभाविक रूप से होती है, क्योंकि मैं पहले वाली बात दोहरा दूं, क्योंकि पानी फैक्ट्री में नहीं बनता, या पहाड़ से आएगा, बर्फ पिघलेगी। आदिल साहब बोलिए, बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। निर्भर है, एक मिनट, जितना पानी उपलब्ध है उस पानी में से हम हरियाणा के हर हिस्से में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी पानी पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कहीं कोई किल्लत आती है तो हम मोर्चे पर खड़े तैनात नजर आते हैं। हम हरियाणा के हर बासिंदे को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अहर्निश प्रयासरत हैं, और तय मानिए, हम उनके हिस्से का पानी दिल्ली को या किसी को भी नहीं देने वाले। दिल्ली को मिलेगा, उसके हिस्से का मिलेगा, दिल्ली को उसके हिस्से का मिलेगा। आदिल साहब, हिस्से से ज्यादा क्यों मांगते हैं आप, जवाब दीजिए। करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, जवाब दीजिए आदिल साहब। और कोशिश कर रहे हैं, चुप कराएंगे तभी तो बोल पाएंगे। आप बोलिए, 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 एक एक बोलिए, आप जवाब दीजिए। मेरे पास आखिरी 40 सेकंड बचे हैं सर, जवाब दीजिए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रही है, और दिल्ली का 100 एमजीडी पानी, दिल्ली के 20 लाख लोगों का पानी रोक कर बैठी है, उसको तुरंत भारतीय जनता पार्टी को रिलीज करना चाहिए। दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर खट्टर साहब से विनती करना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति करना बंद करिए, और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्र धर्म का पालन करिए, दिल्ली के लोगों को सौतेला व्यवहार दिल्ली के लोगों के साथ मत करिए। दिल्ली के लोग आपकी तरफ, आपको देश का प्रधानमंत्री मानते हैं, इन्हीं दिल्ली के लोगों ने आपके साथ दिल्ली का भेजा। दिल्ली का सीधा सीधा आरोप है कि पानी नहीं दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जितना पानी दिल्ली को जरूरत है उससे ज्यादा दिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि छवि बचाने और बिगाड़ने का एक खेल है पूरा, और इंडियन नेशनल लोकदल कहती है कि हरियाणा में भी पानी दो दिल्ली के साथ साथ। देखते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह चलता रहेगा, क्या इस समस्या का कोई समाधान भी होगा। नमस्कार।